हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से हम नया इतिहास बनाएंगे। पार्टी जो जवाबदारी थी वो मैं करता हूँ। जो पहले इंदौर ने एक रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। ये जो दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको शंकर लालवानी के बंगले के दिखा रहे हैं। यहाँ पर टिकट की घोषणा होने के बाद शंकर लालवानी को बधाई देने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें महिला कार्यकर्ता हैं, पुरुष कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हैं। और यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि इससे पहले भी इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ही थे और पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया। हम उनसे कोशिश करते हैं बात करने की कि क्या अब की बार कितना रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं वो लोग। देखिए किस तरह से महिलाएं और तमाम तरह के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको बधाई देने आए हैं। ये सुनिश्चित मानी जा रही है शंकर लालवानी की, लेकिन ये तय है कि उम्मीद की जा रही थी। बात करते हैं, कोशिश करते हैं। शंकर भाई, पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ कि आप एक बार फिर से इंदौर का नेतृत्व करने जा रहे हैं। आपने पिछले 5 साल कार्यकाल में जो काम किया है, क्या ये उसी का परिणाम है? ये मोदी जी के विकास का परिणाम है। जिस प्रकार देश आगे चल रहा है, इंदौर शहर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये आप जो देख रहे हैं, मोदी जी ने जो इंदौर में काम किए हैं उसको लेके इंदौर की जनता, इंदौर के कार्यकर्ता उत्साहित है। पिछली बार भी आप रिकॉर्ड मतों से जीते थे, इस बार क्या रिकॉर्ड है? आपकी बार तो 9 की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के खेमे में है, इसके बाद ऐसा क्या लगता है ये लोकसभा सीट आप कितने वोटों से जीतेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार हमारे देश में, प्रदेश में, शहर में काम किया है उसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से हम नया इतिहास बनाएंगे। टिकट को लेकर काफ़ी संशय की स्थिति बन रही थी, सिर्फ इंदौर का टिकट रोका जा रहा था, कई मरतबा हार्ट बीट्स बढ़ रहे थे यहाँ के कार्यकर्ताओं के। हालांकि ये तय था कि शंकर लालवानी के अलावा कोई इंदौर में विकल्प नहीं है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो किसी को भी टिकट देकर चुनाव लड़ा लेती, लेकिन आपको दोबारा मौका दिया गया। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो जवाबदारी थी वो मैं करता हूँ। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो आपकी रणनीति क्या होगी और जीतने के बाद आगे इस शहर के लिए और क्या क्या कर पाएंगे? हालांकि बहुत सारी सौगातें आपने इस शहर को दी है। रणनीति पार्टी बनाती है, पार्टी संगठन जो रणनीति बनाएगा उसके अंतर्गत हम काम करेंगे। और जहां तक विकास की बात है, हमने विकास किया, आने वाले समय में और विकास करेंगे। आंकड़ा नहीं बताया आपने, कितने लाख वोट से जीते हैं? जो पहले इंदौर ने एक रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी, जो पूर्व भी यहाँ से सांसद थे, और वो दावा कर रहे हैं कि जो पहले रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि टिकट मिलने के बाद क्या लग रहा है आपको, एक बार फिर से शंकर लालवानी को टिकट दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी जी के ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इतने विकास के काम किए हैं और नरेंद्र मोदी जी के पूरे विश्व में जो नाम भारत का करा है, उस नाते यहाँ की सीट लगभग 8 लाख से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, प्रचंड बहुमत से। उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया है, सांसद ही घोषित किया है, ये मानकर चलो शंकर भैया जिंदाबाद। क्या लगता है आपको यहाँ पर के दादा, आप तो देखते हैं शंकर लालवानी जी ने पिछले कार्यकाल में भी काम किया था, एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है, क्या उम्मीद है? पार्टी ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि शंकर जी लालवानी को इस विधानसभा, इसलिए लोकसभा सांसद के लिए चुना। लालवानी जैसे सांसद पहले आदमी है, मधुभाषी हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं और इंदौर की जनता उनको बहुत प्यार और सम्मान करती है। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जाता कि सांसद शंकर लालवानी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो आसानी से उपलब्ध रहे हैं। आपको एक बार फिर से शंकर लालवानी बना दिए गए हैंगे उम्मीदवार, पहले भी आपने काफ़ी मेहनत करके एक प्रचंड बहुमत से उन्हें जिताया था, आपकी बार क्या करने वाली है महिला ब्रिगेड आपकी? हमारी सब महिलाएं तैयार हैं और अब की बार 10 लाख पार हमारे शंकर भैया, कांटा लगेगा ना कंकर, 10 लाख पार जाएंगे हमारे शंकर। और बहुत उत्साहित है सभी महिला मोर्चा पूरा यहाँ पर एकत्रित हुआ है, सबने आज बहुत खुशियाँ जाहिर की है और हम बिल्कुल बढ़ के काम करेंगे। जो स्थिति बन रही है यहाँ पर, हमने कार्यकर्ताओं से भी बात की, नेताओं से भी बात की, लोग तमाम हाथों में गुलदस्ते और हार लेकर आए हैं उम्मीदवार का स्वागत करने के लिए शंकर लालवानी का। मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ सुबह से ही मजमा लगा हुआ है और जैसे हमारी बात हुई थी सांसद शंकर लालवानी से, तो उन्होंने भी कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास किया है और एक बार फिर से उन्हें इंदौर से मौका दिया है और इस बार की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक होगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अर्शद खान, मृदुभाषी, इंदौर।